रूस ने यूक्रेन की निगरानी पोस्ट को उड़ा दिया है। जेपोरिजिया प्लांट के पास बनी थी निगरानी पोस्ट, रूस ने टैंक से उड़ाई यूक्रेन की निगरानी पोस्ट। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर रूसी एयरफोर्स का जबरदस्त एयर स्ट्राइक, रूसी एयर स्ट्राइक में कई यूक्रेनी आर्म व्हीकल तबाह। यूक्रेन में जर्मन जेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की विध्वंसक ट्रेनिंग, यूक्रेन में एक्शन के लिए तैयार जर्मनी का जेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के बखमुट में जारी है आमने सामने की जंग, बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सैनिक बरसा रहे हैं ताबड़तोड़ गोलियां, एलएमजी से दुश्मन पर बड़ा हमला। रूस के टॉप मिसाइल साइंटिस्ट की सबसे बड़ी वार्निंग, सरमत का इस्तेमाल प्लानिटरी डिफेंस के लिए, RS-28 सरमत से एस्टेरॉइड्स को मार गिराया जा सकता है। यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब पर रूस अमेरिका में टेंशन है, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है, दूसरे देशों में यूएस का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कीव की तबाही का वीडियो आया सामने, मिसाइल अटैक के बाद कीव में दिखा आग और भीषण तबाही, हमले में घायल कुछ लोग सड़क पर गिरे दिखाई दिए। डोनेस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का कहर, यूक्रेन ने M777 होविट्जर तोप से बरसाया बारूद, होविट्जर अटैक से रूस को भारी नुकसान। पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों को लेकर द कीव इंडिपेंडेंट ने बड़ा दावा किया है, पोलैंड में रह रहे यूक्रेन के शरणार्थियों को सामूहिक जहर दिया गया। बेल्जियम के ब्रसेल्स में नाटो हेडक्वार्टर के सामने यूक्रेनी लोगों का प्रदर्शन, ह्यूमन चेन बनाकर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की लगाई गुहार। ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजी विध्वंसक ब्रिमस्टोन मिसाइल, ब्रिटेन ने 2 ब्रिमस्टोन मिसाइल यूक्रेन को दी, 6 महीने पहले भी ब्रिटेन यूक्रेन को दे चुका है मिसाइल। यूक्रेन में ड्रोन के टारगेट पर आने के बाद वैगनर सैनिक ने किया सरेंडर, जंग के इतिहास में पहली बार ड्रोन के सामने किसी सैनिक ने किया सरेंडर। डोनेस्क में रूस का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे 100 विदेशी सैनिकों की मौत, पहली बार रूसी हमले में इतने विदेशी सैनिकों की मौत हुई। बैटलफील्ड में यूक्रेनियन आर्मी रूस के ठिकानों को बना रही है निशाना, BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैन्य अड्डों पर की बारूदी बौछार। यूक्रेनियन आर्मी की 203 mm होविट्जर का रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला, स्पेशल ऑपरेशन के तहत दुश्मन के कई ठिकाने तबाह। खेरसोन में भी रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग, दोनों तरफ से हो रही है जबरदस्त बमबारी, रूस को यूक्रेन दे रहा है कड़ी टक्कर। एक और इलाके में रूसी ठिकानों पर भीषण हमला, 2S7 पायोन से अटैक कर रही है यूक्रेन की फौज, रूसी सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचा। डोनेस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का कहर, होविट्जर तोप से बरसा है बारूद, होविट्जर अटैक से रूस को भारी नुकसान। रशियन फौज के बंकर पर यूक्रेनी सेना ने गिराए बम, बंकर में छिपे थे कई रूसी सैनिक, हमले में कई रूसी सैनिकों के घायल होने का दावा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की बड़ी तैयारी, फ्रंटलाइन पर एक साथ कई टैंकों से किया अटैक, बैटलफील्ड में गोले दागते आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेनी टैंक। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलें रूस के बैटल टैंकों के लिए बनी, काल फैगॉट एंटी टैंक मिसाइल से रूसी टैंकों को बनाया निशाना। नाटो यूक्रेन डाटा एक्सचेंज हब पर रूस का हमला, रूसी हमले में डाटा एक्सचेंज हब तबाह, रूस ने जारी किया हमले का वीडियो। द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है, रूस युद्ध में 80 के दशक की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। डॉनबास रीजन पर पुतिन का बड़ा बयान, 2014 में ही डॉनबास पर हमारा कब्जा होता, हमने सोचा था कि यूक्रेन समझ जाएगा। लिथुआनिया से मिले हथियारों से रूसी फौज पर हमला कर रही है यूक्रेन की सेना, M101 तोपों से रूसी ठिकानों पर बरसा रही है गोले। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।